जय हिंद दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो हमारी इवन और ओड जो नंबर है उनका सम, यानी कि विषम और सम संख्याओं का योग आज हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। देखिए, हमारे जो एजुकेशन एडा चैनल है उस पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं स्पेशली हरियाणा पुलिस के लिए बैच लूँ, तो उसके लिए हमने अपना जो बैच हमारा न्यू स्टार्ट होगा वो 10 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। और वहाँ पे मैं सबसे पहले जो वहाँ पे अलग जो है सिक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही करवाइए डायरेक्ट। वैसे तो ये हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था, लेकिन 10 मार्च से जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और जो भी एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हैं उन्हीं के हिसाब से, और वो सारे क्वेश्चन जो है हम करवा देंगे। तो अब हम आज की क्लास में कर लेते हैं हमारे इवन और ओड जो नंबर हैं उनके योग के बारे में। देखिए, बाज जो होता है जब वो आसमान में उड़ता है तो एक कौवा होता है वो उसके ऊपर बैठकर उसको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन बाज क्या करता है, उसको जवाब देने की बजाय वो इतना ऊंचा उड़ जाता है कि वो कौवा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और उसका सांस लेना दूभर हो जाता है, इसलिए कौवा वापस नीचे गिर जाता है। तो आप सोचो कि आपको बाज बनना है या कौवा बनना है। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम ओड डिवाइजर के बारे में बात करेंगे कि जो ओड नंबर होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 है, तो इसमें हमारे जो ओड डिवाइजर हैं और जो सम डिवाइजर हैं उनका योग कितना होगा, तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 8। अब इन सब को जोड़ लो, अब इन सब को जोड़ेंगे तो हम ये 3, 3, 6 और 4, 10 और 8, 18, लेकिन हमें तो ये तो पता नहीं कि इनमें जो है सम है उनका योग कितना है और जो विषम है उनका योग कितना है, अलग अलग अगर ये बड़ी डिजिट आ जाए तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, मेरे सारे क्वेश्चन जो हैं एक ही ट्रिक पे डिपेंड होते हैं, अलग अलग ट्रिक नहीं होती उनके लिए। अगर हम किसी क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक से करेंगे ना तो फिर वो सारी ट्रिक जो है हमारे माइंड में नहीं बैठेंगे, तो इसलिए मेरे सारे क्वेश्चन हैं एक सिक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं एक ही ट्रिक पे। तो देखिए, इनके लिए हम ट्रिक में सीधा बात ही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 6 नंबर ले लिया और हमें पता है 6 का गुणनखंड 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 होता है, और हमें यहाँ पे पता क्या करना है, हमें यहाँ पे पता लगाना है कि जो हमारे ओड डिवाइजर हैं उसका पता करना है कि इसमें कितने हैं। तो यहाँ पे 2 हमारा सम है, लेकिन यहाँ पे हमें जो सम नंबर है हमारा 2, ये वाला नहीं लेना है। याद रखना है कि हमें कभी भी सम और विषम का योग ज्ञात करना हो तो हमें कभी भी विषम संख्या में सम संख्या का यूज करना ही नहीं है, जब हम गुणनखंड के हिसाब से कर रहे हों। तो 2 हमारा सम है, सबको पता है, तो यहाँ पे हमें विषम वाली डिजिट लेनी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें 1 ऐड करूँगी तो ये हमारा 2 होगा। ये वाली ट्रिक जो है मैंने सारे क्वेश्चंस में करवाई है, इसलिए आपको ये अच्छे से याद भी हो गई होगी। तो देखिए, यहाँ 2 हो गया और ये ऊपर वाला जो ये 3 है, तो इस 3 की पावर ये वाली 2 कर देंगे। अब मैंने कहा था कि हमारा रूल है, मैंने पहले भी इस रूल के हिसाब से समझाए थे कि इसमें से हम -1 करेंगे। अब जो ऊपर है वही हम यहाँ लिखेंगे 3 - 1। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए, ये 2 हमारा विषम है, इसको हमें लेना ही नहीं। अब 3 की पावर 2 होता है 9, और 9 में से 1 हम माइनस करेंगे और 3 में से 1 गया तो हमारा 2, और यहाँ पे हो गया हमारा 8 और 2 चौके 8। तो 6 में हमारे जो विषम संख्याओं का योग है वो कितना है, 4 है। जैसे मैं यहाँ पे लूँ, मैंने 12 नंबर ले लिया, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12। अब यहाँ पे ये डिजिट हमारी सम है, हमें लेनी नहीं, ये हमारी विषम है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 2। अब 3 की पावर ये वाला 2 करना है, और रूल है हमारा 3 में से हम 1 माइनस करेंगे, और यहाँ पर भी हम 3 - 1 करेंगे, तो ये हमारा 3 × 3 = 9, 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, 2 चौके
आठ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल मैं बेसिक से इसलिए करवा रही हूँ, आगे हम जो बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर सिस्टम में वहाँ पे ये सारी ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो देखिए अगर मैं कोई बड़ा डिजिट लूँ यहाँ पे तो उसको हम कैसे करेंगे, दो वाला ले लेते हैं जिसमें दो विषम संख्याएँ हों, तो उसके लिए हमारी ट्रिक होगी, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 300 ले लिया, अब 3 की पावर 1 और 2 जीरो हैं, 100 का मतलब हमें पता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, अब यहाँ पे विषम वाला हमें नहीं लेना, और 3 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 2, और यहाँ पे हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 3। विषम की दोनों संख्याएं हमने ले ली हैं। अब देखिए 3 की पावर ये वाला 2 हो गया, और रूल है -1 करेंगे और जो ऊपर है वो हम यहाँ भी करेंगे। उसके बाद 5 की पावर ये वाला 3 हो गया, 5 की पावर 3 रूल है -1 करेंगे और यहाँ पर भी हम -1 करेंगे। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 में से 1 गया 8 और अपोन में 3 में से 1 गया 2, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 8/2। अब 5 की 3 हमें पता है 125 होता है, और 125 में से -1 करेंगे 124 और 5 में से 1 गया 4, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 124/4। अब इसको कट करेंगे हम 4 × 8 और ये हो गया हमारा 124, जो 300 में विषम संख्याओं का योग हमारा कितना है 124 है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि हमारी जो सम संख्याएं हैं उनका योग हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इवन नंबर, जो भी हमारा इवन नंबर है उसका योग हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया है 6, चलो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 8 ले लेती हूँ, और हमें पता है 8 कितना होता है 2 की पावर 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा सम संख्या है और हमें याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हमेशा सम संख्या, हमेशा सम संख्या के बेस में से 2 घटाना है, 2 घटाना है, ये हमारा रूल है कि हमेशा जो सम संख्या है उसके बेस में से हमें 2 माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 4, और 2 की पावर 4 अगर मैं यहाँ लिखूँगी तो हमारा जो बेस है उसमें से हम 2 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या है यहाँ पे रूल है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, यहाँ पे करके देख लो, 2 की पावर 4, 2 × 4 4 × 8 8 × 16 और 16 में से हम 2 माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा 14। तो यहाँ पे हमारे 8 में जो समभाजकों का योग है वो कितना है 14 है। एक और डिजिट लें हम, बड़ी डिजिट लें, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 100 लिख दिया मैंने कि इसमें जो समभाजकों का योग है वो कितना है, तो हमें पता है 100 का 2 की पावर 2 5 की पावर 2 होता है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा 3 होगा, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 3 होगा। अब देखिए जो हमारी विषम है यहाँ पे बेस, उसमें हमें 1 ऐड करना है 3 हो गया, ये हमें बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है, इसमें से हमें कुछ भी नहीं घटाना, ये जो बेस है इसकी पावर हम 5 की पावर ये वाली 3 करेंगे और इसमें से -1 करेंगे और अपॉन में जो हमारा ऊपर है वही हम यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद हमारा जो सम वाला डिजिट है तो यहाँ पे जो हमारा ये बेस है 2 की पावर मैं यहाँ पे ये 3 कर दूंगी, और मैंने कहा है हमारा रूल है कि जो सम डिजिट होगी तो उसमें से हम हमेशा -2 करेंगे तो मैं यहाँ 2 माइनस कर दूंगी। अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और 8 में से अगर 2 जाएगा तो यहाँ पे हमारा रहेगा कितना 6 रहेगा। 5 की पावर 3 कितना होता है 125 125 में से 1 जाएगा तो 124 यहाँ लिख दिया।
पांच में से एक गया तो हमारा चार बच गया। अब चार तिया बारह, चार एकम चार और छः एकम छः, छः तिया अठारह। तो सौ में हमारे जो समभाजकों का योग है वो कितना है, 186 है। इससे बड़ा डिजिट हम देख लेते हैं कि जो समभाजकों का योग है हम कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 3000, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब इसमें हम एक ऐड करेंगे तो हमारा 2 होगा, इसमें हम एक ऐड करेंगे तो ये हमारा 4 होगा, इसमें हम एक ऐड करेंगे तो ये हमारा 4 होगा। अब इसमें हमारी सम तो सिर्फ एक ही डिजिट है, तो उससे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 3 की पावर ये वाली 2 माइनस 1, हमारा रूल है माइनस 1, जो ऊपर है वही हम यहाँ भी लिखेंगे। उसके बाद ये वाला जो 5 है इसकी पावर 4, तो 5 की पावर 4, और इसमें से माइनस 1 करेंगे और जो ऊपर है वही हम यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 1। अब देखिए रह गया हमारा सम संख्या का, तो यहाँ पे हमारा जो बेस है इस बेस में ये 2 की पावर हम 4 करेंगे, और मैंने कहा है इसमें से हमें सिर्फ 2 माइनस करना है, तो हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे। अब देखो 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। 9 में से एक गया तो हमारा 8 रह गया, और 3 में से एक गया तो 2 रह गया, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दूँ 8 पून 2। 5 की पावर 4 हमारा कितना होता है, 5 की पावर 4 होता है हमारा, 5 की पावर 4 यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, 1 2 3 4, 25 पंजा 125, 625 में से अगर हमारा एक जाएगा तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 624, और 5 में से एक गया तो यहाँ पे हमारा 4, और 2 की पावर 4 हमारा कितना होता है, 16 होता है, और 16 में से 2 हमारा गया तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 14 रह जाएगा। अब इसको हम कट कर देंगे। सबसे पहले हम बड़ी वाले डिजिट को कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम 2 चौके 8 और यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 छिके 24, ये वाला भी हमारा कट हो गया। अब हमें इनका मल्टीपल कर लेना है सारे का। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं ये रह गया हमारा, इसका भी हम कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब ये जो है हमारा 16 दूनी 32 और 32 सत्ते कितना होता है, 32 सत्ते हमारा होता है 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 1 22। तो इसमें 3000 में हमारे जो समभाजकों का योग होगा वो कितना है, 224 है। तो ये हमारे जो है सम और विषम भाजकों का योग यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जब हमारे 10 मार्च से जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं उसमें हम जो है उस टाइप के क्वेश्चंस करवाने स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमारा बेसिक है साथ के साथ वो भी चलता रहेगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो।